हाय, वेलकम टू मेट्रो MGF। टुडे वी आर इन एवलेवाड़ी और हम हैं अभी इब्राहिम गोट्स पर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत टाइम बाद, मतलब पहचानते बहुत पहले से, लेकिन शायद ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम वीडियो आ रही है। तो आपके फार्म का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो हमारे व्यूवर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फिरोज अंसारी है जी। ये अपना छोटा सी फार्म है, अपना शौक है, छोटा सी है जी। ये एवलेवाड़ी पानसरी नगर में है। यहाँ पे अपना ब्रीडिंग सेटअप है जी, जिसमें अपन बर्बरी बकरियाँ रखे हैं, हंसा की बकरियाँ है, कोटा की बकरियाँ है। ओके। अभी फिलहाल में अपने को एक हंसा का खूबसूरत बकरा है ये। अपने फार्म के ऊपर पलाई होती है? नहीं, पलाई का कंसेप्ट नहीं रखे, ट्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं रखे। ये अपना शौकिया तौर पे, मतलब पर्सनल बकरे हैं, पर्सनल बकरे बकरियाँ रखी है अपने। ओके। तो उसका ही ब्रीडिंग करते हैं, उसी बच्चे को डेवलप करके बड़ा करते। तो फार्म में जो बच्चे होते हैं वो सेल करते हैं आप? हाँ, बच्चे भी फॉर सेल रहते हैं अपने। ओके, तो हम वो भी देखने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके बाद वीडियो बनाएंगे हम लोग जी, फिर उसमें वो रखेंगे। ओके। आज की वीडियो में हंसा देख रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अभी फिलहाल में फेस दिख रहा है, पूरा बकरा शो कर दे। उसके पहले बकरे का नाम क्या रखे, ये बताओ आप। ये बकरे का नाम हमारा डॉलर है। डॉलर? हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम रखे, यूनिक। मतलब मोस्टली ये नाम से बकरे लॉन्च नहीं होते। नहीं होते। क्या रीजन था डॉलर नाम रखे इसका आपने? ये बहुत वैल्यूबल बकरा लगता है मुझे जी। जनरली दूसरे बहुत से नाम है मार्केट में जी जी, लेकिन जो डॉलर की वैल्यू है, अच्छे बकरे लॉन्च मैंने तो नहीं सुना, बहुत इसको पूरा सूट हो रहा है नाम। हाँ, जो डॉलर की वैल्यू है रुपये के कंपैरिजन में आज जो तो पूरा सूट हो रहा है, तो ये बकरा के वो नाम बहुत सूट होता है। और ऐसा नहीं कि आज रखे ये नाम जी, जब खरीदे था बकरा मैंने, दो साल पहले बच्चा लाया था मैंने, 3 महीने का। माशाल्लाह, मतलब पूरा बचपन से अपने पास ही है पूरा, यानी ये क्लाइमेट सेट है माशाल्लाह। और अपने हाथ से पला बड़ा है, ये दोनों बच्चों लोग ने उसके काफी मोहब्बत से उसको पाला है। किसके हाथ पर बना है? हाथ पर तो नहीं बोले, ये पूरा हमारे फैमिली पे बना है भाई। अच्छा, मतलब सब लोग, भाई लोग हैं, दोनों बैठे हुए, ये बच्चे हैं मेरे दो जी। तो हम लोग सब भी जब भी आते तो उसको प्यार से खिलाते पिलाते ऐसे लेके बैठते उसको हमेशा। तो वो रीजन है उसकी खूबसूरती वगैरह का, रीजन वही है माशाल्लाह। बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इसके पहले देखे थे वो जी, गर्मी की वजह से थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया था, अभी बारिश भी थी रमजान के में, तो उसके बाद से अभी थोड़ा चेंज आ रहा है। ऐसा घुमा लो एक बार, फेस में, फेस ये साइड में करो। मारेगा क्या? नहीं नहीं, मारता नहीं है, ये खेलने वाला बच्चों के साथ रहता है, बिल्कुल मारता नहीं है। हाँ, यहाँ से सर करो, सिर्फ मस्ती करता है थोड़ा सर। पकड़, अभी समझ में आ रहा बकरा। पीछे ये बकरा फॉर सेल रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, फॉर सेल के लिए रखा है। तो अभी क्या डिटेल्स पर है ये? अभी इसकी डिटेल्स तो देखेंगे ना जी। ये पांचवा दांत अभी जस्ट लगा रहा है माशाल्लाह। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है बकरा जी, दो साल पहले मैंने लिया था, बकरीद के वक्त ही लिया था, तो अभी तो पांचवा दांत लगा रहा है। मतलब दो साल में तकरीबन वो छठा दांत कर रहा है। छठा दांत कर रहा है। ओके, मतलब बहुत छोटा लिए थे शायद अपने। बहुत छोटा लिया था, 3-3.5 महीने का होगा मेरे ख्याल से। उसकी वीडियो भी है अभी तक मेरे, जब खरीदा था। अच्छा बना वो हिसाब से, मतलब बचपन में जो ग्रोथ मिलने चाहिए वो सारी मिलकर भी बकरा अच्छा तैयार हो गया है, बाल भी में भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर नाम रखे, पांचवा दांत कर रहा है बिल्कुल। और अभी क्या वेट पर रहेगा? अभी ये तकरीबन ना मेरे ख्याल से 85 तक होना चाहिए बकरा। वेट नहीं करा? नहीं, वेट नहीं कराया। 80-85 हाँ अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। अगर वे करा हुआ किसी को वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा? हाँ, अगर किसी को चाहिए, अगर है बात ऐसी तो फिर उसको वेट करा के दिखा सकते हैं, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा वेट करके। ओके, और हाइट क्या रहेगी इसकी? हाइट तकरीबन मेरे ख्याल से 38-38 होना चाहिए। माशाल्लाह, बकरा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत कम हंस अच्छे तैयार होते भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हिसाब से इसके बाल वगैरह मेंटेन हो गया ना, बहुत प्यारा लग रहा है। काफी मेंटेन और उसके तो वही। पिंकनेस भी बहुत अच्छी है। हाँ एक कान में थोड़ा सा ब्लैक है, बाकी वो कान और उसके पूरा नोज वगैरह पूरा पिंक है। उसके आँख के ऊपर थोड़ा कजला जैसा है दोनों साइड से, वैसे ही मुशायद भाई बता रहे थे। हाँ हाँ मुशायद भाई आप क्या बोलेंगे बकरे के बारे में? देख लिया एकदम मोहब्बती बकरा है जी। और नहीं क्या मीन्स हमारे फार्म का शान बोलेंगे एक हिसाब से, फार्म की ना क्यों। हाँ और बाकी हंसों से ये हंसे में आपको क्या खासियत लगती है? मीन्स उसके झाप, उसका फरीनेस, उसकी सिंग का नहीं क्या एक ब्लैक एंड व्हाइट में जो है डबल कलर में, डबल कलर में वो उसमें तो उसमें हाँ जरा खूबसूरती देता है बकरा बहुत। बाल वगैरह बोलो झाप बोलो तो सारे हंसों को रहती है, लेकिन मेरे को वो जो उसकी जो सिंग आई है ना बहुत प्यारी लग रही है जी। बराबर हाफ हाफ है, हाफ ब्लैक है हाफ व्हाइट है। और उसके खुर भी वैसे ही है, उसमें स्ट्राइप है खुर में, खुर भी सेम है, खुर भी सेम है। अभी सेल्फ फीडिंग पर है ना जी भाई? इसको भराई पर नहीं डाले? नहीं नहीं क्यों ऐसा? ऐसा भराई का तो प्लान नहीं है ऐसा कुछ जी। है बड़े बकरे का बहुत शौक है, इसीलिए पूछ रहा मैं, बड़े बकरे का शौक करते हैं माशाल्लाह, तो इसको भरे पर क्यों नहीं लिए, किसी के पास भेजे क्यों नहीं? चार दांत पे था जी, इस हिसाब से सोच नहीं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह भरेंगे, तो सब बकरे बड़े बनाते हैं जी, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे सारा सेल्फ फीडिंग पे बकरा अपना लेवल पे जाए। तो अभी तकरीबन 2 साल रहा आपके पास। हाँ हाँ हाँ। फिर भी अगर 100 क्रॉस नहीं हो गया, अगर आप उसको वो लेवल पे लेके जाने में, तो अभी वो 100 प्लस चाहिए था सेल्फ फीडिंग पर, तो उसका रीजन नहीं। बात तो सही आपकी, लेकिन मैंने बकरों के लाइन के जो बड़े बड़े दानिश्वर है जी, जो ये लाइन के बड़े मास्टर जिसे कहते हैं जी, उनकी जबान से सुना हूँ कि बकरा 6 दांत 8 दांत के बाद एक अपने उरूज पे आता है जी। वो तो उसके रुबाब में आएगा, रुबाब में आएगा, जैसे और उसके बाद वेट गेनिंग वगैरह शुरू करेगा, बाल वगैरह में ग्रोथ, वो 6 दांत के बाद। वेट के लिए कुछ एज का मायने नहीं रखता। ओके अगर आप वेट की बात कर रहे हैं ना सेल्फ फीडिंग पे, अगर आपको हैवी वेट बकरा बनाना था ओके, तो अभी भी मेरे हिसाब से 100 प्लस रह सकता था ओके, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वो लेवल का है। हाँ हाँ हाँ। कि सेल्फ फीडिंग पे भी 100 जा सकता था। हो सकता है फिर हमारी मेहनत में थोड़ी कमी हो गई होगी इसके लिए। नहीं बीच में बहुत उतरा था, उसके बाद से फिर भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फॉर सेल है तो क्या पैसे मांग रहे इसके? मेरे ख्याल से पैसे तो हम शायद पर्सनली बताएंगे। क्यों ऐसा भाई? अब सबका अपना अपना तरीका रहता है, तो अपना एक थोड़ा तरीका वैसा रखा है कि पर्सनली बताएंगे इंशाल्लाह उसको। पर्सनली क्यों? रेट पर्सनली क्यों बता रहे हो आप? अभी रेट पर्सनली इसलिए है भाई मेरे, कि क्या होता है अक्सर लोग फोन करके फिर कंटिन्यू पूछते हैं कितना क्या कम ज्यादा, तो इसके लिए पर्सनली कोई लेके और आगे बेचता है तो उसके लिए भी अलग से कॉल आएंगे ना इसकी प्राइस जानने के लिए। हाँ अगर आप प्राइस बता देंगे तो बात आएंगी नेगोशिएशन की सिर्फ। ओके लोगों को पता चलेगा इतना प्राइस है, उसके बाद उनके बजट में रहेगा तो कॉल करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। आपके लिए बेटर है सेल करने के लिए, अगर आपको सेल करना है तो मेरे हिसाब से आपने प्राइस बताना चाहिए, बाकी आपका ऑप्शन। बिल्कुल सेल का प्राइस बताने से का तो बेनिफिट बहुत सारा है कि पब्लिक को रेंज पता चलता है, आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सही बात है, तो बता दोगे प्राइस फिर आप बोल रहे हो आपके हिसाब से? तो तकरीबन इंशाल्लाह तो चाहते कि प्राइस सुने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको अपने सेल करना है ना जी, 1,20,000 में सेल करेंगे इंशाल्लाह। 1,20,000 कोट कर रहे हैं या फाइनल प्राइस है? अभी मान सम्मान के लिए रखना ही पड़ता है कुछ लोगों के लिए, तो उसमें नेगोशिएबल करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके हां माशाल्लाह। थोड़ा सा उठा दो इसको, अपन खोलेंगे और थोड़ा सा मस्ती करते हुए। सेल फीडिंग के जानवर भाई मजा आता खेलने में, भरे के बकरे सुस्त हो जाते पूरे। ये मस्ती देखो। दूर से जाओ, दूर से जाओ। प्राइस मांग रहे हैं 1,20,000 नेगोशिएबल रहेगा इंशाल्लाह। आपका कांटेक्ट नंबर बोलो। 9561094380। अल्टरनेट नंबर है कोई? नहीं एक ही है। एक ही नंबर है, व्हाट्सएप पर भी ये नंबर? बिल्कुल व्हाट्सएप पर। ओके तो व्हाट्सएप पर भी कोई भी कांटेक्ट कर सकते डिटेल के रिगार्डिंग। और अपने अगर बकरा देखना आना है तो कहाँ आना पड़ेगा? ये अपना कोंडवा के आगे है खड़ी मशीन चौक, उसके आगे येवलेवाड़ी के कमान है, वहाँ से अंदर राइट आएंगे तो पानसरी नगर है जी। तो पानसरी नगर में आके कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह तो आप वहाँ से उनको पिकअप कर लेंगे। आने के पहले फोन करो क्योंकि मैं रहने के लिए सिटी में हूँ जी जी, तो उनको फिर लेकर साथ बकरा देखना रहेगा तो कॉल करना पड़ेगा पहले। ओके 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 भाई ठीक है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन डॉलर कॉन्टेक्ट फिरोज भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।